बैठ जाओ बैठ जाओ। एक बार जोरदार कह रहे, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। बैठ जाइए सब लोग। आई लव यू टू। दोस्तों आज मेरा चौथा दिन है कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ता सम्मेलन में अलग अलग जिलों में जाके कार्यकर्ताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूं, और जितना जोश और जितनी ऊर्जा आज मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता 2015 में भी इतनी ऊर्जा थी। दो हजार पंद्रह से दुगनी तिगुनी चौगुनी ऊर्जा आज अपने कार्यकर्ताओं में भरी हुई है, और उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि 5 साल के अंदर आपकी सरकार ने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं, ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं कि 70 साल में किसी भी पार्टी की सरकार ने किसी भी राज्य के अंदर वो काम नहीं किए थे जो आपकी सरकार ने करके दिखाया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी अस्पताल ठीक हो सकते हैं। ऐसे ऐसे काम करे हैं, जो इतने सारे काम करे, अभी गोपाल राय जी गिना रहे थे, मैं सुन रहा था। आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जब अपनी गली में चलता है, जब अपने मोहल्ले में चलता है, तो छाती चौड़ी करके चलता है, सिर ऊंचा करके चलता है। आपकी सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर आपका सीना चौड़ा कर दिया। अभी तक राजनीति इतनी गंदी हुआ करती थी कि 5 साल कोई सरकार सत्ता में रह जाए तो इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, इतने स्कैंडल हो जाते थे, इतने प्रश्न उठते थे कि 5 साल के बाद किसी को शक्ल दिखाने लायक बचते नहीं थे। कोई गली में निकलो तो पूछता था उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। हमने इतनी सड़कें बना दी, इतनी पानी की पाइपलाइन बिछा दी, इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, इतने स्कूल बना दिए, और इन्होंने हमारी सारी चेकिंग करा ली, एक नए पैसे का घोटाला नहीं निकला हमारे ऊपर। तो इस वजह से, जैसे अभी गोपाल जी बता रहे थे, मेरे को नहीं लगता 70 साल में ऐसी कोई पार्टी आई कि चौराहे के ऊपर खड़े होके कहे कि भाई साहब कोई काम किया हमने, और जनता एक के बाद खड़ी होके काम गिनाने लग जाए। हमने अपना पूरा स्टाइल बदल दिया इस बार कैंपेनिंग का। आपने देखा होगा गोपाल जी का जनसंवाद, और अब संजय सिंह जी जा रहे हैं जगह जगह, हमने भाषण देने बंद कर दिए, अब जनता भाषण दे रही है और हम सुन रहे हैं। जनता कह रही है ये भी कर दिया जी, ये भी कर दिया जी, ये भी कर दिया जी, फिर कोई खड़ा होकर कहेगा ये तो रह गया, ये भी है, वो कहेगा ये भी रह गया, ये इतने काम इतने काम। दोस्तों पहले मेरे परिवार में 7 लोग हुआ करते थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, 6 लोग और मेरे माता पिता, हम 6 लोग साथ रहते हैं। फिर जब पार्टी बनाई तो परिवार बहुत बड़ा हो गया, इतने सारे कार्यकर्ता परिवार का हिस्सा बन गए, और फिर जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे परिवार में 2 करोड़ लोग हो गए। हम भी छोटे लोग हैं, आम आदमी हैं, एक आम आदमी का दर्द समझते हैं हम लोग। तो मेरे इस बड़े परिवार में, 2 करोड़ लोगों के परिवार में, किसी के घर में कोई बच्चा बीमार होता था तो तकलीफ होती थी यहां पे,
इसीलिए इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं।